अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू भाई। क्या हाल आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक होंगे। तो भाई जान, बड़ी सर्दी होगी यार इस एरिया में, तो सही बात है। आपको लग रहा होगा कि भाई जरा मेरा ना यार थोड़ा गला भी बांध हुआ है, वो असल में गाइस सर्दी इधर इतनी है ना भाई, इस वजह से यार थोड़ी आवाज़ ऐसी हो गई है। चलो खैर गाइस, आप इग्नोर करो यार, डॉक्टर अंकल को देखो भाई इधर। डॉक्टर अंकल, हाँ जिमी, क्या हुआ भाई? हाँ जी, कुछ नज़र आया आपको? हाँ देख रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारा गला बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा। बस डॉक्टर अंकल, थोड़ा सा है, ठीक हो जाएगा खुद ही। हाँ यार, तुम्हें कल मना भी किया था आइसक्रीम ना खाओ। अरे चलें, कोई बात नहीं यार, खैर है भाई। आज यार डॉक्टर अंकल वापस चलते हैं यार, बारिश लगी हुई है तेज। हाँ जिमी यार, व्यू देख रहा हूँ ना भाई, ज़रा सब्र करो एक मिनट। इसको यार स्कोप इसका कहाँ से लगेगा? है इसका स्कोप कौन सा है? अरे मतलब यार, एक मिनट ठहरो, ये जूम इन जूम आउट वाला है ये। हाँ वो सामने बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यार, पहाड़ी पहाड़ है बिल्कुल सामने। ये चलें डॉक्टर अंकल, बस काफ़ी है भाई, आ जाएँ। अच्छा अच्छा, चलो चलो यार जिमी। उफ गाइस, इतनी सर्दी है यार इधर, तो सही बात है। ओह बहुत ठंड लग रही है यार उधर, तो इतनी ठंड नहीं थी भाई जान जिधर हम यार कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन इधर आके भाई जान सही ठंड का पटा चल रहा है। जिमी देखना भाई, घास शायद सांप ना निकल है। अरे नहीं नहीं यार, कोई शाप शूप नहीं है ड्रुष की, आप टेंशन ना लें। बाकी वैसे चेक करें भाई जान, क्या मौसम है, टाइम क्या हो रहा है यार इस टाइम? जिमी दिन के 2 बज रहे हैं। अबे भाई साहब, 2 बज रहे हैं और गाइस मौसम देखो यार, कैसा एरिया है वैसे डॉक्टर अंकल, है ना? हाँ यार जिमी, असल में एरिया ऐसा भाई जान, इधर फिर ये बारिशें ऐसी चलती रहती हैं भाई साहब, जो बात है यार। हम अभी इधर आए बैठे भाई, हमारी जो साइट है ना भाई जी, हम रह रहे हैं वो कैंपिंग साइट, तो भाई हमारी इधर यार पास ही, हम इधर पैडल ही भाई जान एरिया जरा ना भाई एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई और यार इस एरिया में क्या कुछ है। चलो खैर बस भाई जान, एक मिनट अब चलते हैं भाई सीधा यार वापस भाई जान अपनी कैंपिंग साइट पर। ऐसे इंजॉय तो भाई काफ़ी कर रहे हैं इधर, लेकिन आज जो बारिश हो गई है ना भाई, और सर्दी हो गई है भाई जान इधर। पहले वैसे ना इतनी यार कल सर्दी लग नहीं रही थी, आज तो भाई देख रहे हो ना कितनी ठंड है, और ऊपर से भाई गला भी बिल्कुल यार बैठ गया है। जिमी ध्यान से इधर से जाना, पहले भी स्लिप होने लगे थे। अरे जी जी, आप उसकी टेंशन ले यार, वो मैंने समझ लिया है। ऐसे इधर से गाड़ी भी जा सकती है? नहीं है, नहीं नहीं गाड़ी की तरफ से, एक मिनट आ रहा हूँ। डॉक्टर अंकल के इधर चले गए हैं, अरे कुछ खबर करो डॉक्टर अंकल, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। ओह ओह यार, एक मिनट, पहुँच स्लिप हो गया। डॉक्टर अंकल क्या हो गया भाई? अरे यार आ रहा जिमी, चला चला यार। अरे ऊपर की ड्रा रही, नीचे आए यार ये दृश्य। हाँ आ रहा तुम चलो यार। एक तो गाइस इधर एरिया भी ऐसा ना भाई, पाँव बड़ा स्लिप होता है, इसमें हाइकिंग वाले जूते जो है ना भाई, वो मैं लाया नहीं हूँ यार, वो घर पड़े हैं। ये जो स्नीकर है ना, इसमें भाई पाँव स्लिप हो जाता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई जान, पहुँच ही गए हैं बस यार अपनी कैंपिंग साइट पे। चलो जी फाइनली, रात के टाइम भाई बड़ा प्यारा व्यू था यार, ये स्टेयर्स वाला ना भाई इधर बड़ा मज़ा आया था। वैसे रात को भी हम थोड़ा सा निकले थे भाई जान एरिया एक्सप्लोर करने, लेकिन दिन के टाइम तो सही भाई मज़ा आ रहा है ना वैसे उस तरह। भाई जान जाके देखें यार, पापा और फैशी लोग किधर हैं? डॉक्टर अंकल किधर किए हैं? डॉक्टर अंकल अरे किधर चले गए हैं भाई? चलो खैर भाई, डॉक्टर अंकल तो आ जाएंगे यार, एक मिनट सब्र करो जरा, इधर बैठ के जरा व्यू इंजॉय करें थोड़ा। जी इधर जरा व्यू इंजॉय करें, इधर से व्यू तो प्यारा यार, बारिश की वजह से नश में व्यू ब्लॉक हुआ है सारा। चलो एक मिनट, नीचे ही चलते हैं भाई जान सीधा फिर यार। पापा लोग मेरे ख्याल से भाई रूम नहीं होंगे, वो चेक करो भाई जान अपनी हमारी जो यार वो जीप है वो सामने पार्क हुई भी है। कालिश ने भी भाई जान जरा धोखा दे दिया था, लेकिन शुक्र है भाई चल पड़ी। एक दफ़ा तो भाई हम सारे डर गए थे जब यार इसने धोखा दिया ना रास्ते में, लेकिन पुरानी जीप है फिर भाई आपको पता है यार, इसका मुझे लगता है बैटरी का ना मसला है थोड़ा। बस ये कि भाई जान बैटरी जरा इसकी ना ठीक ठाक रहे, यू नो भाई इस एरिया में आए हैं, अभी बैटरी वीक ना हो जाए ना। अच्छा पापा लोग इधर बैठे हैं। हाँ भाई जिमी आ गए हो? जी जी पापा आ गए हैं। किधर तक गए थे? अरे वैसे ही जरा एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे इधर पास में। अच्छा अच्छा, अब बाहर बैठे हुए हैं भाई बारिश में? नहीं नहीं बारिश इतनी कोई नहीं भाई, अच्छा मौसम है बड़ा। अरे भाई मुझे तो सर्दी लग रही है यार, मैं नहीं बैठूंगा इधर। देख लो जैसी मर्जी है यार। नहीं पापा मैं तो भाई अंदर जा रहा हूँ यार, लेटने लगाऊँ थोड़ी देर। आ रहा जी भी जानी क्या हो गया भाई, तबीयत तो ठीक है? बस ठीक है यार, थोड़ी सर्दी सी लग रही है एरिया ऐसा ना असल में इस वजह से भी। हाँ चल कोई नहीं कोई नहीं। बाकी क्या तरह भाई, वो रंगीली कपड़ों वाले डॉक्टर अंकल? हाँ वही रंगीली शर्ट और पैंट वाले, वो शर्ट ही है यार, आ रही है ऊपर थे। अच्छा अच्छा चल ठीक है, जानी देख ले भाई, अगर तबीयत ठीक नहीं को दवाई ले कर सो जा बेशक।
हाँ देखता हूँ बस यार, जा रहा फिर मैं रूम में। चल जारी सही है भाई, गेट वाल सुन। थैंक यू यार। भाई जान अशन बीमार हो गया हूँ यार, इंजॉय भी नहीं कर शक रहा भाई। उस तरह ना एरिया में आके जरा कमरे में चलते हैं सीधा। अरे एक मिनट यार, नीचे जाने का रास्ता वो सामने से था तो रास्ता ही भूल गया था भाई। एक मिनट यार, जल्दी से भाई यार अपने कमरे में पूछे। बारिश है यार, काम तो हो रही है भाई उस तरह, लेकिन फिर भी भाई जान बारिश है तो सही ना। ऐह चलो बस भाई चलते हैं यार, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगा ना भाई। आह अंदर आगे कुछ सुकून मिला ना भाई, भाई तो इतनी सर्दी थी। उफ चलो थोड़ी देर भजन सो जाता हूँ ना। ठीक है भाई, सो जाते हैं थोड़ी देर, वो ज़्यादा बेटर है, फिर उठेंगे तब तक बारिश भी काम हो जाएगी। फोन तो मेरा अंडर ही पड़ा हुआ यार, ये देखो ना फ़ोन भी हमने इधर ही रखा है। उसके बाद भजन ये हमारी गाड़ी की चाबी है भाई, वो भी हमने इधर ही रखी हुई है। मछला उस तरह नहीं है ना भजन, सेफ एरिया यार। चलो छोटे हैं भाई, अब नीचे सो जाता हूँ। अब ऊपर कौन चढ़ के सो, पहले मैं ना भाई ऊपर सो रहा था फैशी यार, इसमें नीचे वाले पोर्शन में था। चलो गाइस ठीक है, फिर यार मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देख ले अगर आसानी हो तो फिर ही कर। अरे जी जी अंकल, कोई मसला ही नहीं, आप मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं अभी आ रहा हूँ गाड़ी लेके अपनी। पुत्र देख ले। अरे देख लिया मैं करता हूँ आके। अरे भाई बेचारे यार, ये दो चाचा जी आए हुए हैं, बेचारों की वैन जो है ना वो देखो यार पानी में चली गई है। तो मेरे ख्याल से हम अगर भाई कोशिश करेंगे ना तो भाई यार इनकी वैन बाहर निकाल दें, क्योंकि बेचारों का यार और इस एरिया में है भी नहीं ना कोई। मैं वैसे ही भाई ऊपर खड़ा हुआ था तो मुझे नज़र आया कि भाई बंदे खड़े हैं और ऐसे भाई जान वैन कोई पानी में गई हुई है। मैं तो फिर भाई भाग के यार इधर आ गया था। सब्र करो ज़रा, जल्दी से यार जाता हूँ ना भाई। पहले माइकल को कहता हूँ भाई जान वो जीप निकालते हैं ना जल्दी से, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि भाई जान हम हेल्प कर सकते हैं यार, बेचारों की हेल्प हो जाए ना। बेचारे घूमने आए हुए हैं यार, अंकल इतने परेशान हुए हुए थे। पहले तो मुझे लगा कि भाई जान आए यार कोई स्कैम स्कूम है, फिर लेकिन मुझे बाद में हुआ कि मैंने कहा नहीं यार हेल्प करनी चाहिए इनकी। एक मिनट सब्र करो ज़रा, जाके भाई जान माइकल को पहले पूछूँ ना भाई। माइकल किधर है पता नहीं, अंदर आ गया कि यार बाहर ही है। एक मिनट, माइकल अंदर है? अरे भाई एक तो नज़र ही नहीं आता। अरे हैं ये कोई जिमी लेटा हुआ है, क्या पता फिर हो सकता है यार जिमी की तबीयत भी ठीक नहीं है शायद इसलिए लेट गया। अरे ये बैठा है। डॉक्टर साहब किधर भाग रहे हैं भाई? अरे कोई नहीं यार माइकल, असल में बात सुने ना। जी जी यार, वो इधर दो बंदे हैं यार, उनको हमारी हेल्प चाहिए। हैं दो बंदे हैं उनको हमारी हेल्प चाहिए? हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या हेल्प चाहिए भाई बताओ तो सही। अरे बताता हूँ, अरे बैठ के बताएं आराम से। अरे माइकल बैठने का टाइम नहीं है यार। और डॉक्टर साहब क्या हो गया भाई, क्या हेल्प चाहिए? कहीं कोई शेर कोई बंदा तो नहीं ठाक लेगा कि उसको बचाने जा रहे हो? चुप करो यार, तुम बस फजूल बकवास ही लगे रहते हो। वो खोता हमारे साथ आया नहीं है तो उनकी इसकी जगह तुम यार सारी उसकी कसरें पूरी कर रहे हो। है कौन तुम्हारा ताया और कौन? अरे उन पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो यार? माइकल आप बात सुने मेरी। हाँ जी बताएं बताएं। यार इधर दो अंकल आए हुए हैं ना घूमने फिरने, ठीक है आगे। अच्छा तो यार उनकी वैन जो है ना भाईजान वो यार पानी में चली गई है, ब्रेक नहीं थी उसकी। ओहो अच्छा, तो यार मैं कह रहा था सर उन्हें हेल्प करके बाहर ना निकाल दें अपनी जीप से। यार वैन कैसे निकलेगी? अरे माइकल कोशिश करते हैं ना यार, आ जाएं बस जल्दी करें, गाड़ी की चाबी दें। अच्छा चलें चलें, आ जाओ यार फैजी देखते हैं फिर। अच्छा चले ठीक है। अरे जिमी सो रहा है यार अंदर ही। अरे जिमी सोया रहे फिर आके उसे उठा देंगे। अच्छा चलो सही, आओ मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप नहीं मैं जाता हूँ। यार माइकल क्या हो गया भाई? अच्छा आप स्टार्ट करें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा यार जल्दी है भाई जान, हेल्प करें यार बंदों की जाके। अच्छा ना भाई जान यार, अगर उनकी हेल्प हो जाए, चाचे हैं बेचारे यार, दुआई देंगे बूढ़े चाचे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट स्टार्ट करता हूँ ना पहले भाई, देखो तो सही स्टार्ट होती है नहीं। चलो स्टार्ट तो होगी है भाई, एक मिनट अब माइकल खुद ही आएगा। तो माइकल कह रहा है कि यार वो लेके जाएगा। चलो जी माइकल को शौक पूरा करने देते हैं। आ जाए माइकल यार आप चला लें। कुछ बेटर हुआ है यार गला जरा, इन्हें जाके देखूँ किड रहे ये लोग। यार गाड़ी स्टार्ट होने की मुझे आवाज आई थी, वो देखो भाई गाड़ी स्टार्ट है। अरे 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 भाई स्लिप होने लगा था, ये लोग किडर जा रहे हैं। अबे भाई किडर जा रहे हैं मुझे छोड़ के, शबर करो बैठा हुआ भी है। हैं पापा आप लोग किडर जा रहे हैं भाई? अरे कोई नहीं जिमी इधर ही है यार। जिमी आ रहे हैं यार सबर करो। हैं आ रहे किडर से भाई, शार्ट लेके जाए फैशी किडर है। हाँ जानी इधर बैठा वो पीछे, यार मुझे छोड़ के जा रहे थे आप लोग सारे। हैं नहीं नहीं जिमी छोड़ के नहीं जा रहे थे यार, बस अभी तुम्हें जगाना था फिर साथ जा रहे थे। हैं पापा? हाँ अभी सर सिर्फ स्टार्ट करके देख रहे थे गाड़ी यार। अच्छा चलें सही है, मैं बैठता हूँ फिर। हाँ बैठो बैठो जल्दी करो, जा रहे किडर हैं। अरे जिमी आ रहे यार तुम, एक तो जल्दी बैठो। अच्छा अच्छा बैठ रहा हूँ, एक मिनट गाइश बैठूँ यार जरा। पता नहीं किडर याद आ गया नहीं, जाना फैशी साइड पे हो भाई, इधर से आ रहा हूँ। आ जा भाई।
चले पापा, ठीक है बस मैं बैठ गया हूँ। चलो चलो बस निकलते हैं भाई। हजारी ठीक बैठा हुआ ना, बाइक तंग तो नहीं? इधर हो जा थोड़ा। नहीं नहीं सही बैठा हूँ यार, सही बैठा हूँ। चले माइकल जल्दी करें यार, जा रही किड रहे भाई। यार पता नहीं डॉक्टर साहब ने इधर कहीं कोई बंदे देखे हैं यार, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। हैं हेल्प की कैसे मतलब? यार अभी टाइम नहीं है इतना बताने का। वही मैं उनको यार क्या क्या हूँ, वो कहेंगे कि भाई बंदा है यार झूठा मुझे लारा लगा के चला गया, अच्छी बात नहीं है ना यार अब। अरे जा रहे हैं ना भाई, टाइम तो लगता है भाई, कोई मशीन तो है नहीं कि भाई मुंह से निकालो और फटाफट हम उधर पहुँच जाएँ। नहीं फिर भी यार माइकल इधर जरा टाइम उस तरह वेस्ट हो रहा है ना। नहीं नहीं कोई वेस्ट नहीं हो रहा, पहले जिमी ने भी यार इतना वेस्ट किया, सो रहा था। डॉक्टर अंकल शोक से तो नहीं सो रहा था ना भाई, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रेस्ट कर रहा था। हाँ हाँ वही वही। डॉक्टर साहब पता नहीं आपको क्या हो गया कि रिश्तेदार हैं आपके भाई जो इस तरह आपको पड़ी हुई है उनकी? अरे नहीं रिश्तेदार की बात नहीं है माइकल, फिर भी यार बेचारे मुश्किल वक्त में देखे नहीं जाते ना उस तरह। पता है यार मुझे भी, जा रहा हूँ बस अब लेके उधर ही। बताना मुझे किधर जाना है। जी जी जाने दें, इधर सीधा सीधा जाने दें, आगे आपने ऊपर चढ़ के आना है। अच्छा सब्र करें भाई, यहाँ से यार नीचे तो पहले आ जाएं। शुक्र है भाई बारिश तो रुकी है यार, कुछ व्यू क्लियर हुआ है। आज जरा मौसम ऐसे ही बताया हुआ था, गदला सा है। इधर से निकल जाएगी गाड़ी? है निकल तो जानी चाहिए, चेक करें। चलें कोशिश करते हैं भाई, निकल जाएगी मेरा ख्याल है। हाँ हाँ निकल आई है भाई, क्यों नहीं निकलेगी, ऊपर चढ़ें इधर से। जी जी चढ़ गया हूँ, चढ़ गया हूँ यार। अच्छा इधर से आगे जाए ना, मैं बताता हूँ जी। ब्रिज से आगे था थोड़ा, स्लो स्लो माइकल आराम से भाई। भाई क्या चक्कर है? अरे यार इसका सस्पेंशन ज़रा ऐसा है ना थोड़ा। अच्छा हाँ जी सही, ऑफ रोडिंग सस्पेंशन है ना। अच्छा अच्छा एक मिनट यार सब्र करें, किधर जाना है? आगे आगे जाने दें, जाने दें यार इधर से। अच्छा जाने दे रहा हूँ यार, हाँ स्लो हो जाए इधर यार, इधर से नीचे जाना है। इधर से नीचे? हाँ इधर से नीचे नीचे। भाई रास्ता भी है? हाँ इधर एक मिनट गाड़ी लगाए ना आप, वो देख रहे सामने वैन फंसी हुई है। अबे भाई उधर से निकालेगा कौन? अरे यार बस करें ना आप, हम निकालेंगे और कौन निकालेगा। अच्छा एक मिनट सब्र करें भाई, क्योंकि मैंने भाई देखे सारे इंतजाम आज जो है ना भाई वो किए होते हैं। अभी मेरे पास इधर डिगी में मुझे पता है भाईजान, मेरे पास वो टो करने वाली चेन भी पड़ी हुई है, उसके बाद मेरे पास जंपर भी पड़ा हुआ है। जंपर भी है? हाँ जी माइकल है यार। चलें फिर तो अच्छा है भाई, अगर बैटरी इसकी वीक हुई ना तो भाई जंप स्टार्ट कर लेंगे अंदर जो UPS लगा हुआ है उधर। हाँ बिल्कुल। चलो भाईजान एक मिनट देखें यार अब जाके। अच्छा सबसे पहले टो करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप ही आए भाई बाहर? हाँ जी माइकल देखें ज़रा फिर। जी जी देख रहा हूँ भाई, अब टो चेन आप लेके जाएंगे उधर? माइकल वो कर लेते हैं यार, कोई चक्कर ही नहीं है। अंकल टेंशन ना लें, आपकी वैन अभी निकालते हैं। हाँ निकालते हैं भाई, अपनी गाड़ी चाहे पानी में चली जाए वो इनको नहीं है, उनकी वैन निकालनी है सिर्फ। माइकल क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहा भाई, चलें आए फिर लगाएं टो चेन। जी जी लगा रहा हूँ, आप भी आ जाएं यार। खैर है भाई इतना पानी है यार। यार एक तो आपके ड्रामे नहीं ख़त्म होते, सब्र करें। मैं आगे जा रहा हूँ ना, आप ऐसे करें इस क्रूज़र में लगाएं ना टो चेन मुझे, फिर दे मैं पानी में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है देख के भाई, अब आप ना बीमार हो जाएं। यार चुप करें आप, जल्दी आए भाई टो चेन निकालें। एक मिनट भाई जान आराम आराम से जाना पड़ेगा यार, एक मिनट सब्र करो ज़रा। अच्छा इसकी टो चेन लगानी पड़ेगी ना, वैन भी एक तो चाचा की अपने ज़माने की लग रही है, अंदर तक पानी चला गया। ओए होए होए अंदर तक पानी गया है भाई, देख रहे हो। चलो कोशिश करते हैं भाई बेचारों की, अगर वैन बाहर निकल है तो यार अच्छा ही है। माइकल किधर गया है यार, एक मिनट ठहरो भाई, टो चेन लगाएगा फिर उसके बाद ही। हाँ जी माइकल देख लें, बस देख लें भाई जन, पक्की बांध दिया ना? जी जी मैं देख ली है, आप अब चेक कर लें। यार मैंने भी बांध तो दिया वैसे, ये देखो गाइस इधर यार हमने ये टो चेन लगा तो दी है, ठीक है भाई बस पानी में भाई बस ऐसे ही बांधी गया ना। चले माइकल कोशिश करें भाई फिर अब। चले आ जाए भाई जन, देखते हैं फिर यार अब क्या होता है भाई। ओ भाई अब अपनी गाड़ी को क्या हो गया है? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जा रही है यार अभी तक तो। अरे भाई बहुत वजन है यार असल में वैन का। माइकल अंकल असल में वैन भी तो ऐसी है भाई जन, चाचा के अपने जमाने की। काले ना भाई क्या हो गया, फुल रेस दी हुई है भाई, निकल ही नहीं रहा। अरे है ना करें, हाँ हाँ फुल रेस दी हुई है भाई। अरे फिर अब क्या करना है? चली 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 चली, थोड़ी सी चली है, थोड़ी चली, चल रही है, चल रही चल रही चल रही है यार। माइकल कोशिश करें भाई अब, 4x4 लगाए ना यार, इसका दूसरा गियर भी तो है। अरे भाई कोशिश तो कर रहा हूँ यार लेकिन नहीं हो रही ना, बहुत यार वजनी वैन है। अरे कोशिश करें हो जाएगी यार। चले मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे करें थोड़ी और पीछे लेके जाए ना ज़ोर से ताकि जाए। यार पानी है पीछे। अरे जाने दे आप, ठीक है जाने दे बस 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 काफ़ी है।
ठीक है, निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल ले, ठीक है निकलिए निकलिए निकलिए। अरे भाई कोशिश तो कर रहे हैं भाईजान, निकल है। अरे ओ माइकल माइकल माइकल। अबे भाई चलो 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 भाईजान, वैन तो निकाल दिए किसी तरीके से। अरे नहीं चाचा, क्यों शर्मिंदा करते हैं भाई, हमारा फर्ज बनता था। बेटा बहुत शुक्रिया बेटा, आपने बहुत मदद की हमारी। अरे कोई चक्कर ही नहीं, आ जाए आ जाए। चलो भाई, देखा है माइकल, बताया था ना भाईजान निकाल लेगी ये गाड़ी। हाँ यार ट्राई किया तो भाई चल निकल ही आई है। हाँ ये तो अब स्टार्ट करनी है यार, ये स्टार्ट भी मेरे ख्याल से जंप स्टार्ट ही होगी। भाईजान पानी घुसा हुआ है यार, इतना कहाँ से स्टार्ट होनी है ना, वही मैं देख रहा हूँ, एक मिनट सब्र करें जरा। चाचा की एक तो वैन भी जो है ना, बस ओहो यार पानी देखो ना अंदर तक गया हुआ था, अभी खैर थोड़ा बाहर तो आया, एक मिनट ठहरो। अभी भाई असल में स्टार्ट नहीं होगी यार, पानी घुसा हुआ ना इसमें, थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं भाई इधर ही। अब डॉक्टर साहब बात सुने। जी जी। यार इनको अब उठा के कहीं अपना उधर ना ले जाना कैंपिंग साइट पे, मैंने बंदे रजिस्टर कराए हुए जो सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। यार माइकल अब इतना भी नहीं है कि भैया अब उठा के ले जाऊँ अपने साथ उधर, नहीं आप करते ऐसे ही है ना भैया, अब यहाँ हेल्प करना और बात है। मैंने कही ना भैया इधर अब इनकी वैन स्टार्ट ना हो तो आप बोलें कि भाई चलो यार इनको जरा अपने पास रख लेते हैं उधर। नहीं नहीं माइकल ऐसा भी यार तो नहीं हो रहा अब मैं। बस ठीक है भैया, वैन तो चले निकाल दिया ना। हाँ जी एक मिनट चाचा, बुला रहे हैं शायद, बुला रहे हैं, आपको आवाज़ दी है। अच्छा एक मिनट मैं पूछ के आता हूँ। जी जी चाचा हुक्म करें, बुलाया आपने। जी जी मुझे भी लग रहा था पापा कहीं अपनी गाड़ी भी पानी में ना चली जाए। बस फिर डॉक्टर साहब ने बोला तो भाई इसलिए मैंने ट्राई कर लिया। नहीं नहीं बेस्ट हो गया यार ये तो। अरे फैजी बाहर आ भाई, तू अंडर ही बैठा हुआ अभी तक। फैजी अंडर बैठा हुआ भाई, ये बाहर ही नहीं निकला अभी तक यार। अपनी गाड़ी को तो भाई सेफ रखे ना, पापा हैं भाई एक ही हमारे पास, ये गाड़ी है इतनी दूर और गाड़ी आ भी नहीं सकती, बड़ी संभाल के रखे हैं। अब भाई और कैसी कोई हेल्प नहीं करनी भाईजान, अपनी गाड़ी यार आधी हमारी पानी में चली गई थी, अगर इसको कुछ हो जाता ना, ना इधर कोई मैकेनिक है ना कोई वर्कशॉप है, बड़ा रोला बन जाना था। बस डॉक्टर अंकल को कौन सिखाए ये अब बंडा, आप क्या कह सकते हैं। चलो खैर डॉक्टर साहब खुश हो गए हैं भाईजान हेल्प करके। हाँ जी वैसे मुझे भी भाई टर्स आ रहा था यार इन चाचा पे, बेचारे घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, वैन देखो यार भला, और ये देखो गिरे कहाँ से है यार, ये कहाँ से गिरी है ये वैन, पता नहीं ऊपर से कहीं आ रहे थे तो ब्रेक फेल होगी तो सीधा पानी में। ओ भाई चाचा बच गए खुद, जहरी बात है तभी तो दोनों सामने खड़े हैं। हाँ ये बात भी है, पानी बहुत ठंडा हो गया भाईजान आज तो। तुम बाहर आओ यार, पहले तुम्हारा जिमी गला ख़राब है। अरे जी जी इसमें बुखार भी था थोड़ा गले की वजह से ना, इसलिए ज़्यादा मैं पानी के अंडर जा नहीं रहा। डॉक्टर अंकल ने देखो ना कैसी डारियाँ बनाई हुई हैं, देखो उनसे गप शप मार रहे हैं, पता नहीं क्या शीन है भैया, आपकी बातचीत लगे हुए हैं यार ये उनके साथ। अरे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, चले मैं बता देता हूँ लड़कों को अपने। ओके ओके ओके। अरे यार इतने क्यूट हैं बेचारे, कह रहे हैं भाईजान आप हमारी जगह पे यार चक्कर लगाएं इधर। माइकल को बोलता हूँ। माइकल जी जी यार ये चाचा कह रहे हैं जरा जिमी। अरे डॉक्टर अंकल क्या हो गया भाई, डक्का दे रही गिरना है मैंने पानी में। अः माजरत यार माजरत। माइकल बात सुने, बोले भाई आवाज़ आ रही है किधर चढ़ के बता रहे हैं। मतलब मेरा ये है, इतने एक्साइटेड हुए मैं बता दूँ डॉक्टर अंकल। अरे चुप करोगे तुम, बताने दो मुझे। अच्छा आप बोलें यार बताएं। यार ये चाचा कह रहे हैं कि भाई आप यार हमारी जगह पे भी विजिट करें ना। अच्छा ये किधर रहते हैं। अरे इधर ही पास यार इनका कोई घर है तो कह रहे हैं उधर भी आएँ। यार इन्हें क्या आज तो नहीं या फिर कल आएंगे। हैं कह दूँ। हाँ कल का बता दें। चलें ठीक है फिर कल चलते हैं। ठीक है चलो भाईजान एक बार सब्र करो यार, चाचा को बता दूँ। चाचा आज तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, कल इंशाल्लाह मैं आता हूँ ठीक है। बेटा कोई मसला ही नहीं बेटा, दिन का खाना आप हम हमारे पास खा लो वो बेटा ठीक है। चलें चाचा ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। वैन देख ले स्टार्ट हो जाएगी। जी बेटा वो स्टार्ट हो जाएगी, उसका मसला नहीं है। चलें सही है ठीक है फिर हम निकले। ओके जी। ओ ओ ओ ओ चाचा को के चाचा का यार एक तो ओके फंस गया था भाईजान बीच में यार, एक मिनट आ जाओ भाई निकलते हैं यार। ठीक है माइकल बता दिया भाई, चाचा कह रहे हैं कल दिन की रोटी आपने हमारे पास करनी है। चलें ठीक हो गया यार, कोई मसला ही नहीं है, चलें आ जाएं ठीक है, कोई चक्कर ही नहीं है यार, कल चले जाएंगे। तो अभी बस आएँ भाई वापस चलें यार, मैं अच्छा खासा खाना पीना करने लगा था, आपने इधर बुला लिया है। चलें आ जाएं यार माइकल, सर हेल्प भी कर दी ना चाचा की, बेचारे खुश हो गए, दुआएं दे रहे हैं। चलें ठीक है यार आ जाएं बैठे। चलो भाईजान निकलते हैं यार। माइकल देखें सर बेचारे अच्छे हैं ना यार, देखें स्पेशल अब दावत भी दे दी है इन्होंने। हाँ वैसे चाचा अच्छे बंदे हैं यार बेचारों में, मुझे भी तार सा आ गया था जब मैंने देखा ना वैन फंसी हुई है। हाँ इसीलिए तो मैंने भी यार इनकी हेल्प की, नहीं तो वैसे आज कल के दौर में यार इस तरह बंदा
यकीन तो नहीं कर सकता, क्या बता भाईजान, पहले मुझे लग रहा था कि कहीं डाके वाली ना हो यार, डाका ही ने मार ले आके। अरे नहीं यार, वो मुझे लग रहे थे यार जैनवंत बंदे थे। हाँ जैनवंत थे यार बिल्कुल। अच्छा बाप माइकल चलें भाई, कुछ अपना खाना पीना कर लें यार, उस टाइम आपको मैं असल में यहाँ ले आया था। हाँ जी मैं भी कुछ खाटा पीटा हूँ भाई जाके यार, इसमें मैं लेट गया था ना भाई दवाई लेके, अब उससे काफ़ी बेटर हो गया हूँ। चलो जिमी अच्छा हुआ ना भाईजान, रेस्ट कर लिया थोड़ा। एक मिनट यार माइकल किधर से? अरे एक मिनट निकाल लूँगा यार, इधर से चली जाएगी। अब कौन भाई इतना ऊपर लेके जाए, देख लें भाई अब अपनी गाड़ी पानी में ना चली जाए। नहीं 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 जाती यार, क्यों टेंशन ले रहे हैं, इधर से तो अब नहीं जाएगी, अब लाजमी सी बात है भाईजान, आगे यार वाटरफॉल है, इधर से निकालनी पड़ेगी। हाँ निकाल लें इधर से तो। रात होती है ना जिस टाइम, तब सही व्यू निकल आता है इस जगह का। जो बात है भाई, लेकिन एक फैसला आपने बड़ा अच्छा किया, जब जब भाई इस रास्ते से गुजरते हैं ना तो मैं यही बोलता हूँ। ये क्रूजर वाला? यही बिल्कुल, अपनी ZX नहीं लाए, अपना ZX अगर ले आते ना बस भाई, यार वो ले आते, काम तमाम था इधर ही। वही तो यार, इसलिए नहीं लाया, नहीं तो वो तो जाहिर बात है मैंने लाना ही था। तो गाइस आप लोग भी पूछ रहे थे कि भाईजान इसके लिए तो यार वो भी बड़ा बेस्ट था, वो आप क्यों नहीं लाए? तो बस इसी वजह से यार नहीं ला सके। एक मिनट यार यहाँ से ज़रा निकल जाऊँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो रहा था। अच्छा हाँ जी गाइज, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई इसी वजह से यार रिवो भी नहीं लेके आया, क्योंकि जगह देख रहे हो ना आप लोग कैसी जगह है यार, तो फिर इस वजह से बस भाई हमने कहा भाईजान इसी पे ही चलते हैं। माइकल क्या कर रहे हैं भाई? एक मिनट सब्र करें ना भाई, इधर ज़रा पार्क करूँ साइड पे करके। ओ भाई अपनी जगह है यार, साइड पे किधर से? नहीं नहीं मतलब फिर भी यार, ए चलो बस ठीक है, चलें चलें आ जाओ भाई। फैजी तुम भी चलें, वो लोग आ जाएंगे यार, आए पहले मैं तो कुछ खाऊँ ना भाई, मुझे भूख लगी हुई है। उस टाइम डॉक्टर साहब भाईजान मुझे ले गए ना यार उधर। माइकल क्या आप सुनाते ही रहेंगे भाई, बार बार खा लें कुछ जाके। अरे जा रहा हूँ यार, सुनाने की बात नहीं, वैसी एक बात बता रहा हूँ कि आप ले के भी तो गए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या बनाना है फिर आज? एक मिनट देखता हूँ भाई, शोरमा बना रहा था यार मैं तो। अच्छा शोरमा बना रहे हैं? हाँ हाँ चले सही है, फिर आप बनाएं मैं भी आ रहा हूँ साथ ही। चिप्स तो मेरे ख्याल से भैया अब ठंडे हो गए होंगे यार, एक मिनट सब्र करो ज़रा देखूँ। एक मिनट सब्र करो गाइज यार, ये असल में आधा काम कर रहा था उस टाइम निकल गए यार। माइकल अब मेरा मतलब कुछ नहीं यार, छोड़ दें, मुझे अपना खाना बनाने दें भाई। आय हाय क्या बात, खुशबू देख रहे हैं भाई। माइकल अभी से भूख लग गई है यार मुझे तो शदीद वाली। चलें सब्र करें बस यार, थोड़ा सा टाइम रुक जाएं बस, मैं बना रहा हूँ। चलें ठीक है ठीक है। भाई जान मैं कहता हूँ यार, आज जो गैस आ रही है इधर, ओहो सिलेंडर तो आज मैंने ऑन ही नहीं किया भाई, देख रहे हो सिलेंडर अभी बंद किया हुआ है। क्या बात है भाईजान, बहुत लेवल सीन है यार। वैसे असल में हवा चल रही हो ना तो भाईजान ओपन एरिया देख रहे हो, उस तरह फिर ना यार चूल्हा नहीं जलता, लेकिन आज तो भाई माहौल फिट है। खाना पीना आपको दिखा देता हूँ भाई, जो आज मैं इनको बना के दे रहा हूँ। हमने ना क्योंकि दिन रख लिए हैं भाई, अब इस दिन कोई ये बनाएगा, कोई और बंदा इस दिन ये बनाएगा, तो आज मैं इनको बना के दे रहा हूँ भाईजान। ये देख रहे हो आप लोग, फ्राइज़ बना के दी हैं, उसके बाद सैंडविचेज हैं साथ, फिर बर्गर भी हैं, और ये साथ अभी मैंने फ्रेंच टोस्ट भी बनाया, क्योंकि ऐसे मौसम में ना भाईजान फ्रेंच टोस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो ये भी देखो कुछ जल भी गए हैं यार, असल में चला गया यार माइकल फिर यार मुँह से निकल गया, मतलब गाइस मेरा मतलब है कि वो जिसलिए हम यार लेट हो गया, वजह आपको पता ही है ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब भी भाई ताप रहे हैं, तो इस वजह से भैया देख रहे हो थोड़े से काले हो गए हैं। फ्रेंच टोस्ट बस यही खाएँगे भाईजान, अब अपनी इतना लेट कराया ना अपनी वजह से, बस आज मैंने फ्रेंच टोस्ट भी यही अब जले हुए दूँगा, खाएँ अब ये बैठ के। बाकी ये मैगी के पैकेट इधर पड़े हैं, लेकिन मैगी की अभी तक तो यार ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये इतना अच्छा खाना पीना भाईजान बन रहा है। अब आज मैं इनको बना के कुछ दे रहा हूँ, कल अब जो है ना भाई कल आप बनाएंगे जिमी और फैजी। कल डॉक्टर साहब ने हमें कुछ बना के दिया था, कल डॉक्टर साहब ने हाँ कोरियन कुछ बना के दिया था, नूडल्स थी शायद, हाँ नूडल्स डॉक्टर साहब ने कल हमने वो चाउमिन वगैरह शाशलिक वगैरह वो बनाया था ना, लेकिन आज मैं जो इनको खिला रहा हूँ ना भाईजान टेस्ट देखेंगे, सिर्फ ये उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। एक दफ़ा आ गए सारे? हाँ जी माइकल बैठे हैं भाई, इंतजार कर रहे हैं इधर, बस थोड़ा सा टाइम दें भाईजान तैयार हो रहे हैं। आए हाय माइकल क्या बात, जल्दी लाए यार, खुशबू आ रही है सही। बस पाँच मिनट सिर्फ, मैं ज़रा थोड़ा सा इन्हें हल्की आंच पे करूं, क्योंकि भाईजान और ज़्यादा अगर काले फ्रेंच टोस्ट हो गए ना तो इन्होंने कहना है कि भाई ये हमसे खाए नहीं जाएंगे, नखरे इतने करेंगे ना अगर, तो भाईजान मैंने इन्हें छोड़ देना, मैं कहना है भाई खुद बनाओ फिर खा लो। अच्छा बर्गर रेडी है यार, उसके बाद जूसेस की बॉटल भी मैंने रेडी कर दी है इनकी, बस थोड़ा ही टाइम है भाईजान, खाना इनको रेडी करके दें यार, सारे भूखे हुए पड़े हैं। इस साइट का ना यार ये बड़ा मज़ा है भाई, देख रहे हो कितना सुकून है भाई, कोई वेटर शेटर्स नहीं है, सारा भाई हमने खुद अपने लिए बुक किया हुआ है,
सुकून से सब काम कर सकते हैं। फील ही नहीं आ रही कि भाई घूमने आए हैं, ऐसे लगता है अपने घर में बैठे हुए हैं। तो सही बात है, एंजॉय तो भाईजान हम काफ़ी कर रहे हैं यार इधर।